नमस्ते दोस्तों, टुडे वी विल गोइंग टू गो थ्रू द वेरी डिटेल्स अबाउट द माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं. एट द सेम टाइम वी गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, फंजा एंड साइनोबैक्टीरिया आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर इन अ वेरी सिंपल एंड लूसिड वे विद द प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे. वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम पूरा इस जो 8 नंबर सेक्शंस है हमारे लिए यूनिट के, तो ये 8 नंबर सेक्शंस के लिए जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर आता है, इस ह्यूमन वेलफेयर में वी हैव अ नंबर ऑफ सब सेक्शंस आल्सो. वी ऑलरेडी कवर द माइक्रोब जहाँ हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, माइक्रोब इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, माइक्रोब सीवेज में यूज किए जाते हैं, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बायोगैस का. तो ये इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का ये लास्ट सेक्शन है. तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बायो कंट्रोल. बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि ये बायोलॉजिकल एजेंट ही रहेंगे, बट दे विल गोइंग टू यूज टू कंट्रोल द डिसीज मोस्टली इन अ प्लांट केस. इन द सेम वे बायो का मतलब होता है कि ये बायो रहेगा. बायो मीन्स क्या रहेगा? आइदर बैक्टीरिया रहेगा, आइदर वायरसेस रहेगा, बायो माइक्रो एंड विल गोइंग टू यूज एज अ फर्टिलाइजर. क्यों यूज करना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है और व्हाट आर द एग्जांपल. एग्जांपल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दिस एग्जांपल आपको समझ में आते हैं ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द स्प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट. वन बाय वन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो ये पिक्चर्स आप जरा देख लो. तो दीज आर द पेस्ट. पेस्ट का मतलब समझ लो, पेस्ट का मतलब होता है कि दोस्त मे बी इंसेक्ट हो सकते हैं, कैटरपिलर हो सकते हैं, एफिड्स हो सकते हैं. क्लास इज वेरी बिगेस्ट. अगर ये पेस्ट होते हैं, उनको अगर किल करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होता है? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज द केमिकल्स आल्सो ना. हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, एट द सेम टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज एज अ पेस्टिसाइड्स आल्सो. अगर उसी तरह से अगर हमारे खेती में जो एक्स्ट्रा वीड्स होता है, सपोज इमेजिन करो कि ये वीट प्लांट है जो हमारी जरूरत है, ये हमें चाहिए, लेकिन अगर वीट प्लांट को हम स्विंग करते हैं ना, तो एट द सेम टाइम्स नेचर में वीट प्लांट नहीं आता, उसके साथ अलग एक्स्ट्रा कुछ बाकी ग्रास भी आते हैं ना. तो इस ग्रास के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वीड. तो ये अगर वीड को निकलना है तो फार्मर आल्सो दे आर यूजिंग द वीडिसाइड्स. तो अगर ये वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये केमिकल्स होते ना, डेफिनेटली इट गोइंग टू हार्म टू एवरीबडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट, एंड दे विल गोइंग टू कॉज द वेरी हार्मफुल इफेक्ट, जिसे हम पोल्यूशन. तो इंस्टेड ऑफ दैट वन, बाय यूजिंग द केमिकल इन टर्म्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन टर्म्स ऑफ द पेस्टिसाइड, इन टर्म्स ऑफ द पेस्टिसाइड, वी आर गोइंग टू यूज द बायो एजेंट. तो इसी को हम यूज करेंगे अगेंस्ट द बायो एजेंट. तो ये जो नेचर का प्लांट डिसीज कंट्रोल करने का जो सिस्टम्स है, अगर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जगह अगर हम बायो एजेंट को यूज करते हैं, तो दिस मेथड इज नोन एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. तो ये मेथड का मीनिंग क्या होता है कि मोस्टली इस तरह से, जिस तरह से आपने मेरे साथ डिस्कस भी किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक्सट्रीमली टॉक्सिक्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन के लिए. तो वी नीड टू यूज सच टाइप ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे जो एजेंट होते हैं, जो पेस्ट होती है, उनको तो हमें रिमूव करना है. जो एक्स्ट्रा वीड्स होती है उनको तो रिमूव करना है, लेकिन हमें नॉट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल, not with the help of the weedicide, insecticide or pesticide, but with the help of the biocontrol agent. तो यहाँ पे देखो, ये अगर कोई caterpillar है, या हम कहेंगे कि जो pest है, pest का मतलब होता है कि जो plant में कुछ disease create करता है, उसको kill करने के लिए अगर हम कोई bio insect का use करते, तो this is known as a biocontrol agent. And mostly we're going to use the two methods होता है. Either we using the living things, or living की बात आती है ना, तो we have a chances of the microbes. हम microbes को use करेंगे, जहाँ bacteria भी हो सकते हैं, जहाँ fungi भी हो सकते हैं, जहाँ पे virus भी हो सकता है, और non-living things भी हम control कर सकते हैं. For example, आप देखो caterpillars है, अगर caterpillar को catch करने के लिए हम अगर trap use करते हैं ना, तो this is also the one of the methods. लेकिन ये physical method होती है. लेकिन अगर natural predation का हम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल प्रोड्यूसिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है कि नेचर की एक प्रोविजंस होता है, हर एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. मीन्स कोई प्रेडेटर होता है, कोई प्रे होता है. तो ये अगर लाइन लेते हैं, अगर
लायन लेते हो और दूसरा जो डियर लेता है, दोनों में क्या रिलेशंस होता है? दोनों में जो रिलेशंस होता है, यहाँ एक प्रे होता है, एक प्रेडेटर होता है। तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम मेथड, लेकिन ये किसके लिए यूज करेंगे? जो खेती के लिए बेस्ट होता है उनको कंट्रोल करने के लिए जरूर हम यूज करेंगे। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट का मेन मोटो होता है। तो वी आर हियर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग भी यही होता है कि हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, नॉट गोइंग टू यूज द कुछ फ्यूमिसाइड यूज नहीं करेंगे, बट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट अप टू द सम मैनेजेबल लेवल। इट इज वेरी क्लियर कि देखो हर एक पेस्ट तो कोई बुरा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक फार्मर्स, उनका इराडिकेशन करना इट इज नॉट अ सस्टेनेबल मेथड, उनको कुछ हद तक कम करना, उनको मैनेज रखना, दैट इज नोन एज द वेरी सस्टेनेबल अप्रोच टू कंट्रोल द पेस्ट मेथड्स आल्सो। तो ये तो हमेशा अपनी बुक का फैमिलियर एग्जाम्पल आता है ना, ये जो आता है ना उसे हम लेडी बर्ड कहते हैं या उसे हम बिटल भी कहते हैं। तो ये बिटल जो यूज किया जाता है उसकी तादाद जो यूज की जाती है ये एम्पायर को क्लीन करने के लिए, तो ये एमसीक्यू जरूर होगा, बिटल किसके लिए यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम से ड्रैगन जो फ्लाइज होता है ना, दिस आर गोइंग टू यूज फॉर द जो मॉस्किटो के जो एग्स होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको यूज किया जाता है। मीन्स किस तरह से हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं अपने पेस्ट को कंट्रोल करने के। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, आपको इसी तरह से यूज किया जाएगा कि ये जो लेडी बर्ड है किसके खिलाफ यूज की जाती है और ये ड्रैगन फ्लाई है किसके खिलाफ यूज किया जाता है, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जो मेथड्स आती है ना, जिसे हम हमेशा न्यूज में हम देखते हैं कि बीटी कॉटन। अभी बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है, बीटी ये शब्द का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द वन काइंड ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच वी आर गोइंग टू यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। बीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? दिस इज द सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया, जिसे हम बैसिलस थुरिंजिस कहते हैं, उसका नेचर जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। एंड मोस्टली व्हाट हम क्या करते हैं कि ये अगर कमर्शियली आपको ये बैक्टीरिया कुछ सैचेट फॉर्म में मिलता है, अगर हम पानी में उसको मिक्स करके जो प्लांट होता है जिसके ऊपर कैटरपिलर का अटैक ज्यादा हो सकता है ना, मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज उनका स्प्रे, हम उस पानी का उसमें लगा लेते हैं। अगर इंसेक्ट उस स्प्रे को या उस जो पत्ते होते हैं उनको खाने की कोशिश करते हैं ना, तो डेफिनेटली स्प्रे उसके अंदर चला जाता है। और बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया की ये खासियत होती है, जो कैटरपिलर के गट में जाने के बाद इट इज गोइंग टू रिलीज दी काइंड ऑफ वन टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स वो आदमी को किल कर लेता है। तो देखो यहाँ पे हम कैटरपिलर या जो एनालॉजिकल एजेंट है उनको किल करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट आपको यहाँ जरूर मेंशन करना होगा, ये बीटी टॉक्सिन किसके खिलाफ यूज किया जाता है? तो इट इज यूज अगेंस्ट, यहाँ पे टेरा देखो, ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, ये एंड होता है टेरा से, याद देखो ये एंड होता है टेरा से, दिस इज अ सपेक्स। तो ये बीटी टॉक्सिन जेनेटिकली वी आर यूजिंग और उनका स्प्रे भी हम यूज करते हैं लेपिडोप्टेरा के लिए, डिप्टेरा के लिए, स्पाइडर की तरह जो भी इंसेक्ट हो गए या कैटरपिलर की तरह जो भी इंसेक्ट हो गए उसको हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं। एज दिस टाइप ऑफ फ्लाई जो होती है जो मोस्टली प्लांट को अफेक्ट करती है ना, उसे हेमिनोप्टेरा कहते हैं, दिस इज नोन एज अ कोलिप्टेरा। देयर आर द नंबर ऑफ टेरा, एटलीस्ट आपको ये चार पांच टेरा तो याद होनी चाहिए जो हमारे बुक्स में मेंशन नहीं किए हुए, पर जस्ट एक एडिशनल पॉइंट, बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन उसका स्प्रे वो जेनेटिकली इट इज वेरी एक्टिव अगेंस्ट द लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोटेरा एंड हेमिनोप्टेरा, और कुछ एग्जाम्पल भी हेमिनोप्टेरा के आपको दिए। तो देखो ये किस तरह से काम करता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से वी आर नॉट गोइंग टू स्प्रे ये जो बीटी का जो सैचेट फॉर्म में मिलता है पानी के साथ मिक्स करके हम स्प्रे नहीं करेंगे। जो भी हम बाय यूजिंग दी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, सपोज इमेजिन करो ये जो है ये कॉटन का लीव्स है, मींस दिस इज वी हैव टू बी अंडरस्टैंड ये कॉटन का प्लांट है, बराबर है। नाउ दिस कॉटन प्लांट ये वी ट्राई व्हाट वी डिड, जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया था, ये बैसिलस थुरिंजिनेसिस से हमने जीन निकाल दिया और जीन इस प्लांट में बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से इंसर्ट किया हुआ। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द वन टॉक्सिन्स पॉइजन जो जिसे बोलते हैं उसका नाम आता है क्राय, बराबर है, दिस इज अ क्राय।
तो अगर ये पत्ता या कोई भी ग्रीन पोर्शन अगर ये कैटरपिलर खाने की कोशिश कर लेती है तो व्हेन इट कंबाइंस विद हर एक प्लांट या हर एक सेल में आपको मालूम है कि अब ये बीटी जीन्स है. व्हेन द बीटी जीन्स कंबाइंस विद द अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो ये कैटरपिलर का गट का एनवायरनमेंट होता है जो होने के बाद डेफिनेटली ये इंटरेक्शन ये क्राइटॉक्सिन्स को रिलीज करती है. दिस इज वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्राइटॉक्सिन को रिलीज करने के लिए गट का कैटरपिलर की गट का अल्कलाइन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी होता है. अगर ये क्राइटॉक्सिन रिलीज किया जाता है व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द सेल व्हिच कंटेन द क्राइजीन्स देन डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू बाइंडिंग टुवर्ड्स द गट जो एपिथेलियम्स होते हैं जो उनके लेयर्स होते हैं उनको बाइंडिंग कर लेते हैं. अगर बाइंड करने के बाद डेफिनेटली उसकी जो एक्टिविटी दी है क्राइजीन्स की या क्राइटॉक्सिन से इट विल गोइंग टू मेक अ लाइसिस. तो ये गट जो कैटरपिलर की होती है उसको ब्रेक किया जाता है और गट का अगर ब्रेक किया जाता है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू डाई. So this is the way the BT cottons which is produced the biologically from the genetic technology it can be used as a biocontrol agent. Lekin humne ye bhi dekha ye to kuch advanced information aapke paas honi chahiye BT cotton ke bare mein. Lekin ye jo jis mitti mein BT cotton hota hai usko hum alag kar lete hain usko spray kar lete hain aur spraying method use karte hain. Lekin nowadays spraying se is tarah ke jo BT cotton ke plant hote hain unko purchase karna unki सोइंग करना और यील्ड को बढ़ावा देना ये भी अपने लिए अलग से मेथड हो सकती है. तो ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस का मैंने यहाँ पे आपको दूसरा एक एग्जांपल दिया है किस तरह पे ये वर्कआउट कर लेता है. जिस तरह से ये मिट्टी खा ये पेज खा लेगा या लीव्स खा लेगा टॉक्सिन को रिलीज किया जाएगा और टॉक्सिन क्या करेगा उसकी गट को पूरा कोलैप्स कर देगा. होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्राइजीन्स का मतलब क्या होता है ये समझ में आया होगा. क्राइजीन्स ये प्लांट में होते हैं. अगर उसे कैटरपिलर खा लेता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो टॉक्सिन्स बनता है उसको हम क्राइटॉक्सिन्स बनते हैं और ये क्राइटॉक्सिन्स कैटरपिलर के गट को पोरोसिस करता है उसको लाइसिस कर लेता है. तो लाइसिस करने की वजह से कैटरपिलर मर जाता है. यहाँ भी देखो हम देख रहे हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट है लेकिन माइक्रोब्स के साथ बायो कंट्रोल करने वाले. तो यहाँ पे माइक्रोब्स कौन सा आता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस आता है जो सॉइल बॉर्न और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है. नेक्स्ट आता है फंगाई का हम एग्जाम्पल लेंगे जिसे हम ट्रिकोडर्मा कहते हैं. तो ये ट्रिकोडर्मा फंगाई क्या करता है कि जो प्लांट में पेस्ट है जिसे हम निमेटोड कहते हैं तो निमेटोड के लिए ये ट्रिकोडर्मा दिस इज वन थिंग सी कंट्रोल द निमेटोड ग्रोथ. जो निमेटोड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो निमेटोड अगर प्लांट में हो जाता है डेफिनेटली प्लांट विल डाई आउट उसका कम होगा. अगर आपको एग्जाम्पल आता है कि बायो कंट्रोल एजेंट जो फंगाई ओरिजिन है उसका आप एग्जाम्पल दे दो तो आपका डेफिनेटली एग्जाम्पल होगा सर फंगस ओरिजिन बायोकेमिकल एजेंट इज नोन एज अ ट्रिकोडर्मा और द नंबर ऑफ द प्लांट डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द ट्रिकोडर्मा. तो ट्रिकोडर्मा क्या करता है दिस इज अ फंगाई फ्री लिविंग फंगाई होता है. दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम में जो प्लांट पैथोजन होते हैं यहाँ प्लांट पैथोजन कौन सा है तो निमेटोड्स है. तो निमेटोड की जो इंट्रीज होती है रूट सिस्टम में उसको चेंज करना उसको रोकने का काम ये फ्री लिविंग फंगाई करते हैं उनके लिए ट्रिकोडर्मा ये टर्म का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आता है बकुलोवायरस. यहाँ पे देखो बकुलोवायरस क्या कर लेता है व्हेन दिस बकुलोवायरस एंटर इनटू द कैटरपिलर और कैटरपिलर लाइक द इंसेक्ट डेफिनेटली दिस बकुलोवायरस हम सभी लोग जानते हैं अगर वायरस होता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना ये कैप्सिड प्रोटीन की कवरिंग होती है. तो उसके गट में जाने के बाद ये जो वायरस होता है दे विल गोइंग टू डिसॉल्व द ये प्रोटीन कैप्सूल को डिसॉल्व किया जाएगा गट में. दे विल गोइंग टू रिलीज द सम वायरल मटेरियल. इस वायरल मटेरियल का हमने नाम दिया है वीरान और ये वीरान भी वही काम करता है जो बीटी कॉटन का टॉक्सिन्स काम करता है पूरे गट की जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन कर लेता है. तो ये बकोलो वायरस भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जो इंसेक्ट के खिलाफ काम करता है मोस्टली आर्थ्रोपोडा के काम करता है. तो बकोलो वायरस इट इज जनरलाइज टर्म लेकिन बकोलो वायरस एज बायोकंट्रोल एजेंट के लिए जो जीनस यूज किया जाता है ना उसको हम निकोलो पॉलीहाइड्रोवायरस कहते हैं. इसे हमें एमसीक्यू के लिए जरूर लिखना पड़ेगा निकोलो पॉलीहाइड्रोवायरस. ये कॉमन या स्पेसिफिक टर्म से जीनस का बकोलो वायरस के लिए. तो अगर इस तरह से उसके वीरान सिक्रेट करने के बाद गट को डिस्ट्रॉय करते हैं वी आर गोइंग टू यूज दिस एज अ इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन लेकिन मोस्टली आर्थ्रोपोडा के खिलाफ इसको यूज करेंगे. और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है प्लांट्स होते हैं मैमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं फिश होता है उनके लिए ये कोई भी आज तक हम कहेंगे हार्मफुल इफेक्ट उसके लिए हमें
कोई नोटेड नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने अगर बायो कंट्रोल एजेंट, बायोलॉजिकल ओरिजिन, जिस तरह से ये बीटल आप देख रहे हैं, अगर बीटल अगर एम्फैड के खिलाफ यूज करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है, इकोनॉमी भी सस्टेन हो जाती है, तो हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। तो इस टर्म के लिए हम जो यूज करते हैं उसको IPM कहते हैं। IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ केमिकल का, फर्टिलाइजर, वीडसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे तो बायो कंट्रोल एजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली देयर विल बी द पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो ये अप्रोच होता है, इसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, हम बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे। बायो का मतलब होता है वी गोइंग टू यूज बैक्टीरिया यूज करेंगे, हम यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया यूज करेंगे, मे बी सम व्हाट एक्सटेंट वी गोइंग टू फंगाई आल्सो फॉर द न्यूट्रिएंट पर्पस। तो फर्टिलाइजर के लिए भी आज हम लोग का केमिकल का यूज करता है। नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज एज अ केमिकल, अगर हम ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं, इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड गुड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, डेफिनेटली द बायो फर्टिलाइजर इज मोस्टली रिकमेंडेड। जिस खेती में बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, हम इस तरह से सभी लोग जानते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर से यस न्यूट्रिएंट क्वालिटी तो बढ़ती है, लेकिन इनरिच क्वालिटी को बढ़ने के लिए हमारे पास बायो फर्टिलाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो बायो फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जाम्पल है लेगुमिनस प्लांट। आप सभी लोग जानते होंगे कि पीस प्लांट है, ग्राउंडनट प्लांट है, जहाँ पे उनके जो रूट्स होते हैं ना, ये नूडल्स आ जाते हैं। तो ये नूडल्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइजोबियम। सो राइजोबियम ये सिम्बायोटिकली इस रूट के साथ, लेगुमिनस प्लांट के साथ रहता है। मीन्स व्हाट द बैक्टीरिया डज, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन होता है ईयर से वो लेता है और प्लांट के रिक्वायरमेंट को फिल कर देता है। एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज जो बनता है, वो ये प्लांट इसको दे देता है। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है अगर हम दोनों एक साथ रहते हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल हेल्प अपनी अपनी हो जाती है। इन द प्लांट्स ऑल्सो राइजोबियम प्लांट, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या किया जाता है कि लेगुमिनस प्लांट बैक्टीरिया को एक फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम बैक्टीरिया जो आउटलेट नाइट्रोजन होता है एटमोसफियर का, उसको फिक्सेशन करने का काम करता है। नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट फॉर्म एंड वेयर द प्लांट्स आर कंफर्टेबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म। होपफुली हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आता है इसमें आता है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको ये चार्ट भी समझना पड़ेगा। देखो कि अगर लेगुमिनस प्लांट होते हैं, वहाँ पे अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल देखा सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, राइजोबियम देखा। लेकिन हर एक प्लांट तो हम कहेंगे लेग्यूमिनस नहीं होता। जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं, उसके लिए हम यूज वर्ड करते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर नहीं होती। उसका एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल आता है एजोटोबैक्टीरस आता है, एट द सेम टाइम एजोसपोरम आते हैं। ये क्या कर लेते हैं कि ये जो एटमोसफियर नाइट्रोजन है, एक बात तय है, प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इस तरह से ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लांट डज नॉट हैव दैट सिस्टम आल्सो। तो नाइट्रोजन तो उनकी रिक्वायरमेंट की जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये नाइट्रोजन बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जिसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया के बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर हो जाता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट और प्लांट दिस फॉर्म में नाइट्रोजन का ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज नोन एज नाइट्राइट। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बनाने के लिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया दे फॉलो द अमोनिफिकेशन, दे फॉलो द नाइट्रिफिकेशन विद हेल्प ऑफ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, तो ही नाइट्रेट्स में प्लांट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस मेथड वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो आपको एग्जाम्पल आ जाएंगे कि विच आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, विच आर द यूजफुल। तो एटलीस्ट आपके पास दो एग्जाम्पल होनी चाहिए, एक एजोस्पोरम का एग्जाम्पल होना चाहिए और ये एजोटोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होना चाहिए। मीन्स दीज आर द बायो फर्टिलाइजर्स। We are not going to use a nitrogen in chemical form. We are going to use these agent. Rhizobium ka hum inoculum use karenge. At the same time, we are going to use the nitrogen fixation free living bacteria. Iska naam aata hai Azospirillum aata hai, Azotobacter aata hai. To ye kis tarah se kaam karte hai? Ki ye nitrogen jo hota hai, unko ye ammonia mein convert kar lete hai. Ammonia then converted into nitrites form. And then nitrites get converted into nitrates form. और आप सभी लोग जानते हैं प्लांट सिर्फ नाइट्रेट फॉर्म में ही कार्बन की, सॉरी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फूल कर सकते हैं। तो दिस इज द एसोसिएशन, मे बी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकता है या फिर लिविंग एसोसिएशन हो सकता है, उसको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और एक एग्जांपल है,
जो हम बायो फर्टिलाइज की तरह फंगाई को यूज करते हैं, अगर फंगाई को अगर हम यूज करते हैं ना, तो इस मेथड के लिए हम माइकोराइजा कहते हैं। तो देखो ये प्लांट है विदाउट द माइकोराइजा, उनके रूट सिस्टम के ऊपर आप ज्यादा थोड़ा ध्यान दे दो। ये प्लांट्स है मोस्टली इट इज विद द माइकोराइजा। माइक्रोराइजा का मतलब होता है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या आता है, यहाँ प्लांट का एसोसिएशन होता है फंगाई के साथ, तो ही हम वर्ड यूज करते हैं फंगाई। तो प्लांट डेफिनेटली इस फंगाई को न्यूट्रिएंट प्रदान कर लेता है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। तो ये बंदा क्या करता है, फंगाई क्या करता है कि मोस्टली जो फॉस्फोरस होते हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं। एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द एरिया, और इंक्रीज द एरिया होती है तो प्लांट के लिए वाटर की जो कंटेंट होती है वो हमेशा अच्छी होती है। मैन दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर प्लांट को फंगाई के साथ एसोसिएशन हो जाती है तो जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उनके लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, टॉलरेंस टू द सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, और ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ भी हो सकती है। तो यही माइक्रोराइजर फंजाई के बेनिफिट है, एक रूट सिस्टम की ग्रोथ होगी। क्यों ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फंगा फास्टर प्लांट इस्टेब्लिशमेंट कर देगा ड्यू टू इट्स टाइम, और हम इंक्रीज एरिया दिखा था ना, तो इंक्रीज एरिया हो जाता है, एब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा बढ़िया होगा उसका। कंपेरेटिवली नाइट्रोजन को प्रोवाइड करना, फास्फोरस को प्रोवाइड करना, पोटेशियम को प्रोवाइड करना, माइक्रोन्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना, ये सभी न्यूट्रिएंट जो सॉइल्स में होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा उत्तम होती है जब प्लांट में ज़्यादा माइक्रोराइजर फंगाई की ग्रोथ हो जाती है। एंड डेफिनेटली अगर एरिया बढ़ जाता है माइक्रोराइजल हाइपी जो मोस्टली दे आर इंटर इन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर में इंटर करते हुए, एट द सेम टाइम्स ये सिम्बायोसिस लेके बाय यूजिंग द जाइलम सिस्टम दे कैन इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। तो ये कुछ मेथड्स हमारे लिए होता है। तो हमने दो बायो फर्टिलाइजर देखे, फर्स्ट हमने देखा कि राइजोबियम्स देखा, उसके बाद हमने एजोटोबैक्टर एजोस्पिरम देखा, और बाद में हमने देखा माइक्रोराइजर जो फंगाई ओरिजिन। दूसरा जो बैक्टीरिया जो होता है, देखो हर एक ग्रीन प्लांट सेल में जो बेसिक ग्रीन पोर्शंस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें क्लोरोप्लास्ट करे, इसी तरह से ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स होता है, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज दी अल्गी भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अल्गी इस नाम से भी पुकारा जाता है, बट इट इज लुक लाइक दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट आल्सो, बट ड्यू टू द फ्लैजेलिया वी क्लासिफाई इनटू द बैक्टीरियल क्लास। तो बेस्ट एग्जांपल उसके जो होते हैं ये एनाबिना होता है, नास्टाक्स होता है, ऑस्केटिलिया होता है, एज दिस इज अल्गी उसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट कहां पे है, ये टेरिटोरियल वाटर्स में, ये एक्वेटिक वाटर्स में है। तो दिस प्लांट मे बी यूजफुल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। आपके लिए ध्यान जो होना चाहिए हमारे लिए इस बैक्टीरिया के ऊपर होना चाहिए, अगर साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, एट द सेम टाइम साइनोबैक्टीरिया का जो अलग सा नाम आता है उसे एनोबिना नॉस्टॉक और ऑस्किलोटेरियम भी कहते हैं। कुल मुझे लगा आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो ये एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में साइनोबैक्टीरिया को कम अक्रॉस होते हैं, इस तरह से हम साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं। अगर ये साइनोबैक्टीरिया को सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये साइनोबैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, फर्स्ट थिंग ये बैक्टीरिया भी है, ये अल्गी भी बैक्टीरिया, इसलिए कि उसको फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। साइनोबैक्टीरिया इसलिए इंपॉर्टेंस होता है एज इट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फूड। तो फूड बनाना दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो वी कैन बी यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है फूड सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, और मोस्टली फॉरिन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में इसका यूज, या एल्गी का यूज बायोफ्यूल के लिए भी किया जा सकता है। तो हमारे लिए उसका जो यूज होता है ना, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पर ज्यादा होता है। जो पैडी फील्ड्स होते हैं जहाँ पे राइस कल्टिवेशन किया जाता है ना, अगर राइस कल्टिवेशन में इस तरह का अगर एल्गी को अगर हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं ना, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन प्लांट के लिए मिलता है, पैडी फील्ड के लिए मिलता है, तो ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, यील्ड को बढ़ाने के लिए एट द टाइम जो सॉइल की जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है इनडायरेक्टली उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस काम करता है। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपको बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर, लेकिन हमारा ध्यान सबसे ऊपर जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में जो भी एग्जांपल दिए उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। देन दिस चैप्टर इज बिकमिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग टारगेट विद प्रोफेसर पीस पॉजिटिव विक। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अ वॉलंटरी डोनेटर टू बिकम अ प्राइम एंड ट्राइड मोटिवेटर।